दोस्तों, अगर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांड का मोबाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज से एक दो साल पहले शायद मैं दूसरा नाम बताता, लेकिन आज का डेट में मैं आपको एक ही नाम बताऊंगा। मुझे आज का डेट में सैमसंग का मोबाइल बहुत ही अच्छा लगता है। इसका दो या फिर तीन रीज़न है। पहला, इसका डिस्प्ले। सैमसंग का डिस्प्ले क्वालिटी लाजवाब रहता है, दूसरा ब्रांड से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। और अभी जो है सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले जो है सैमसंग कम प्राइस में देता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है सैमसंग की तरफ जाने का। दूसरी बात, सैमसंग का कैमरा क्वालिटी लाजवाब रहता है। दूसरा मोबाइल से आप इसको कंपेयर करेंगे तो सैमसंग हमेशा आगे रहता है, और सैमसंग जो है अच्छा अच्छा सेंसर भी यूज करता है कैमरा में, तो सैमसंग का कैमरा क्वालिटी बहुत ही लाजवाब रहता है। और तीसरी बात है सैमसंग का बैटरी। जी हाँ, आज से एक दो साल पहले देखेंगे तो सैमसंग की तरफ से एक कंप्लेन आता था कि उसका बैटरी बैकअप जो है ज्यादा नहीं देता है, लेकिन अब वो कंप्लेन नहीं आ रहा है क्योंकि सैमसंग का एम सीरीज में हमें 6000 मिली एम्पीयर का बैटरी देखने को मिल रहा है, और यहां तक कि 7000 एम्पीयर का भी बैटरी देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो कंप्लेंट था ये पूरा सॉल्व कर दिया है सैमसंग ने। अब इसीलिए मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सैमसंग का मोबाइल। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन जरूर करेंगे कि भाई सैमसंग का मोबाइल में हमें प्रोसेसर ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे ज्यादा बेटर जो है हाई ग्राफिक्स वाला गेम नहीं खेलना है, नॉर्मल सा काम करना है। उसके लिए सैमसंग का जो चिपसेट दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा है, और सैमसंग का A51 में जो चिपसेट है Snapdragon 730G वो काफी तगड़ा वाला चिपसेट है, और सारे फीचर्स आपको सैमसंग का A51 में जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मुझे अगर आप कहेंगे कि कौन सा मोबाइल आपको खरीदना है तो सैमसंग M51 मेरे लिए बेस्ट है। बाकी सैमसंग ने M सीरीज और A सीरीज का फोन जो है इंडिया में लॉन्च किया है, और ग्लोबली बहुत सारा कंट्री में भी लॉन्च किया है, लेकिन सैमसंग अभी एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जो कि है एफ सीरीज, और इसका पहला फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है जो कि है सैमसंग F41। जी हाँ, M41 नहीं आया था, तो शायद इसीलिए F41 ला रहा है, लेकिन F सीरीज का ये पहला फ़ोन है जिसका ऑफिशियली इंडिया का लॉन्च डेट कंफर्म हो गया है। 8 अक्टूबर ये फ़ोन इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। फ्लिपकार्ट में इसका टीजर पेज जो है वो बन चुका है, अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, और उस जगह पे आपको काफ़ी सारा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और ये भी फ़ोन जो है सस्ते में बेटर फीचर्स प्रोवाइड करेगा, और डेफिनेटली सैमसंग का फ़ोन मुझे खास करके अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग F41 का लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का। देखिए, फ़ोन जो है आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल के साथ मिलेगा। सैमसंग का ए सीरीज में आपको ग्लास वाला लुक देखने को मिलता है, एम सीरीज और एफ सीरीज में जो है आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का ही बैक पैनल देखने को मिलता है। इस फोन का फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले में आपको साइड में आप देखेंगे तो बहुत कम जो है बेजल्स और चीन देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही थगरा वाला डिस्प्ले लग रहा है सामने से देखने में। बैक साइड में जाएंगे तो ट्रिपल रियर कैमरा, एलईडी लाइट और फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में मिल जाता है। नीचे आपको सैमसंग का ब्रांडिंग और आपको ब्लू वाला कलर देखने को मिल रहा है फाइनली, लेकिन मेरे हिसाब से एक ब्लैक वाला भी वर्जन आ सकता है। तो ये है सैमसंग F41 का लुक और डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी भी मैं आपको बताया। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स जो है हमें ऑफिशियली देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इस मोबाइल में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि सैमसंग हमेशा देता है, और एक लाजवाब क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो सैमसंग का ये जो डिस्प्ले है एक इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी मोबाइल में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, एलईडी लाइट देखने को मिल जाता है, और बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और आपको मोबाइल में 6000 मिली एम्पीयर का बैटरी देखने को मिलेगा। तो बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और इसका कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक ही मिलेगा, उतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हमें ऑफिशियली अब देखने को मिल रहा है। कितना मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा ये तो लॉन्च के बाद ही बता सकते हैं, अभी ये मतलब ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ फीचर्स लीक्स होकर निकल के आया था कि इस मोबाइल में आपको 6GB का रैम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये लीक्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो चिपसेट रहेगा वो स्नैपड्रैगन की तरफ से नहीं रहेगा, वो सैमसंग का जो ऑक्सिनोस चिपसेट दिया जाता है 9611, वही चिपसेट शायद देखने को मिल सकता है, ये भी लीक्स होकर निकल के आया था। इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलेगा और Android 10 का सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये सैमसंग का F सीरीज का पहला फोन है, देखते हैं क्या प्राइस रेंज में इंडिया पे लॉन्च होता है। मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार के अंदर ही शायद इस मोबाइल का प्राइस होगा क्योंकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। अब ये फोन 8 अक्टूबर को इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। जब ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और सारे फीचर्स निकल कर आ जाएगा तो चैनल पे और एक वीडियो जरूर आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको भी दबा दीजिए। और सैमसंग का ये नया मोबाइल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फिर में, तब तक के लिए बाय।